हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी क्लासेस में। आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, इससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल सके। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लेक्चर 9 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी गैस का ग्राम अणु आयतन होता है 22.4 लीटर। दूसरा क्वेश्चन, किसी पदार्थ के ग्राम अणु भार में उपस्थित अणुओं की संख्या 6.02 × 10²³। तीसरा क्वेश्चन, स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा को दाब बढ़ाने पर ताप अनुक्रमागत बढ़ता है। शुष्क गैस का दाब ज्ञात करने के लिए गैस के दाब में जलीय दाब घटा देते हैं। अणुओं की टक्कर होने पर केवल उनकी दिशा बदलती है। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में ताप स्थिर रहता है। यदि दाब स्थिर है तो विसरण गुणांक होता है समानुपाती T³/3/2। R का मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडलीय मोड के ग्राम अणु भार। इसके बाद क्वेश्चन है, एवोगैड्रो संख्या सामान्य ताप और दाब पर किसमें उपस्थित अणुओं की संख्या होती है गैस के 22.4 लीटर में। यदि एवोगैड्रो संख्या 6.023 × 10²³ और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है तो 1 मोल नाइट्रोजन के परमाणु होंगे 2 × 6.023 × 10²³। इसके बाद एवोगैड्रो का नियम किन नियमों के संयोजन का परिणाम है? डाल्टन का परमाणु भार तो गेलुसे का नियम। यदि ताप दाब स्थिर रहे तो H2S के किसी आयतन के पूर्ण विघटन के पश्चात प्राप्त H2 का आयतन H2S के आयतन का के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, परम ताप मापक्रम का शून्य ताप है -273°C। इसके बाद नदी के पेंदे से निकलने वाला हवा का बुलबुला का आयतन ऊपर स्तर तक आते आते बढ़ जाता है बायल के नियम से। इसके बाद ऑक्सीजन के 16 ग्राम का एंटी आयतन होगा 11.2 लीटर। गैस में विसरण गति होती है घनत्व के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या होगी 6.023 × 10²³। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में समान होती है अणुओं की संख्या। 2 गैसों के विसरण की गति का अनुपात 3:2 है तो उनके अणु भार का अनुपात होगा 4:9। गैसों की विसरण दर तथा अणु के संबंध होता है R1/R2√M2/M1। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।